हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर कॉलेज। दिस इज लवली एंड आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेकेंड मई 2023 शिफ्ट वन के हैं। और पहले के 10 क्वेश्चन हमने पार्ट वन में कर लिया है, रीजनिंग PYQ पार्ट वन में। एंड आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट इज टू एम्पियर, तो सेम ये रिलेशन आपके ऑप्शंस में बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो तो चार ऑप्शंस दिए जाते हैं एग्जाम में, उसमें से एक ऑप्शन था फोर्स इज टू न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक करंट ये मेयर किया जाता है एम्पियर में, उसी तरह से फोर्स को हम लोग मेयर करते हैं न्यूटन में। तो यहाँ पे दोनों का जो रिलेशन है वो सेम है एंड एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे कि पहले इलेक्ट्रिक करंट है फिर एम्पियर है, उस तरह से फोर्स और फिर न्यूटन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, फोर्स इज टू न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन था मिरर इमेज से रिलेटेड। तो मिरर इमेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है, एक यहाँ पे सीरीज है 342, 365, 388 क्वेश्चन मार्क, 434, 457। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ये फाइंड आउट करना है। यदि हम 342 और 365 को देखते हैं तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 23 का डिफरेंस है। सिमिलरली जब हम 365 और 388 को देखते हैं तो इन दोनों के बीच भी 23 का डिफरेंस है, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हम लोग जब 434 एंड 457 को देखते हैं तो इन दोनों के बीच भी 23 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे 23 का एक पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ पे हर एक नंबर के साथ 23 ऐड करने पे आ रहा है। तो जब हम लोगों ने 388 के साथ 23 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 411। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 411। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस वाले सीरीज में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है एंड एडिशन कितने का है, 23 का एडिशन। चलते हैं फोर्थ पे, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में एप्पल को लिखा गया है 25, जूनियर को लिखा गया है 36, तो पैकेज को क्या लिखा जाएगा। एप्पल में यदि हम देखें लेटर कितना है, यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम जब 25 और 36 को देखते हैं तो यहाँ पे ये किसी चीज का स्क्वेयर है, 5 का स्क्वेयर है, 6 का स्क्वेयर है। तो जो हमने एप्पल के लेटर्स की काउंटिंग की तो एप्पल में 5 लेटर थे तो 5 का स्क्वेयर हो गया, जूनियर में 6 लेटर थे तो 6 का स्क्वेयर हो गया 36। उस तरह से पैकेज में कितने लेटर हैं, तो पैकेज में 7 लेटर है। यहाँ पे रहेगा आपको 7 का स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा था, एक कोड बन रहा था जो कि स्क्वेयर के पैटर्न पे फॉलो कर रहा था। चलते हैं फिफ्थ पे, बाय इंटरचेंजिंग विच टू साइन द इक्वेशन विल बी करेक्ट। इक्वेशन दिया हुआ है 15 + 5 / 2 - 9 × 3 = 22। यहाँ पे दो साइन को इंटरचेंज करना है, तो दो साइन को इंटरचेंज करने पे ऑप्शंस में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे और वहां चारों को आपको ट्राई करके देखना होगा, सेल वाइज आप लोग कर लेना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरह से, या फिर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि हाँ दो इन दोनों साइन को चेंज करेंगे तो सही हो जाएगा, तो पहले आपको उस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन के ट्रायल बेसिस पे आपको देख लेना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिक्स में है, 7 = 36, 16 = 225 एंड 21 = क्या होगा। तो यदि 36 और 225 को देखें तो ये भी किसी का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, तो 7 से 6 कैसे जाएंगे -1 करके, यानी कि पहला जो नंबर है उसे -1 करके स्क्वायर कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। 16 में -1 करेंगे 15, और 15 का स्क्वायर हमने किया तो 225 आ गया। तो उस तरह से 21 में -1 करेंगे 20 आएगा, और 20 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो इस तरह से सिक्स क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि फर्स्ट नंबर -1 और उसका होल स्क्वायर क्या आ रहा है, सेकेंड नंबर आ रहा है। सेवेंथ है, ऑल HRG सम GRI, और यहाँ पे फिर कंक्लूजन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल एच जितने भी एच है वो क्या है, यहाँ पे जी है। उसके बाद जो सम है जी का पार्ट वो आई है। अब इससे हम कंक्लूजन देखते हैं, नो IRH, तो यहाँ पे नो का तो रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो ये फॉलो नहीं होगा। ऑल IRG,
ऑल आई, यानी कि जितना भी आई है वो जी में है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है डायग्राम में, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फॉलोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन है इम्बेलिड फिगर का। इम्बेलिड फिगर के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन दिए जाते हैं, एंड वहां पे जो क्वेश्चन का एक फिगर होगा वो फिगर चार जो ऑप्शंस होंगे उसमें इम्बेड किया हुआ होगा, और बताना होता है कि कौन सा यहाँ पे कौन से ऑप्शन में फिगर को इम्बेड किया हुआ है, तो वही जिसमें ये फिगर आपको दिखेगा क्वेश्चन वाला वही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नाइन्थ पे। सेवन बॉयज है जे की एल एम एन पी एंड क्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर को थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लेना, क्योंकि कभी कभी टुवर्ड द सेंटर की जगह आउट साइड द सेंटर रहता है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो लेफ्ट और राइट का जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इससे पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, टुवर्ड द सेंटर यानी कि एरो अंदर की तरफ होगा और लेफ्ट लेफ्ट ही होगा और राइट राइट होगा, आपके जैसे आप बैठे हुए उसके अकॉर्डिंग, और यदि आउटसाइड होता तो ये चेंज हो जाता। उसके बाद क्या कह रहा है, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जे एंड क्यू, एल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जब हमने इससे पहले के सेशन में पार्ट वन में किया था एक क्वेश्चन, वो सेम इसी पे बेस्ड था, तो जिन लोगों ने भी पार्ट वन देखा है वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। आंसर तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। एंड रीजनिंग पी वाई क्यू पार्ट वन में आपको इसका करना है, आपको पता चल जाएगा। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्या कह रहा है, 108, 129, 104 क्वेश्चन मार्क, 100, 137 और 96। तो यहाँ पे 108, 129 एडिशन दिख रहा है कुछ, फिर 129 से 104 यहाँ पे एडिशन तो दिख नहीं रहा क्योंकि एक बहुत कम जा रहा है, फिर देख रहे हैं तो कम रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे दो सीरीज मिक्स किया हुआ हो, तो हम दोनों सीरीज को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 108 और 104 जब देख रहे हैं तो यहाँ पे -4 हो रहा है, 104 और 100 में भी -4 हो रहा है, 100 और 96 में भी -4 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक अल्टरनेट सीरीज है। और ऊपर वाले सीरीज में जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि वन तो यहाँ पे क्या है कि 108 में 129 इंक्रीज कर रहा है, तो क्या क्यों नहीं हम -4 जब नीचे हो रहा है तो उसमें +4 करके देखते हैं, तो 129 और +4 हमने किया क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो 133 आता है। ओके, इसको मैं साइड में लिख रही हूँ। एंड 133 में जब हम +4 करते हैं तो 137 आता है, यानी कि यहाँ पे जो 133 आ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये हो सकता है यहाँ पे कि 133 हो, क्योंकि ये पैटर्न पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं कि 108 में जब हमने -4 किया तो 104 आया, और 104 माइनस किया तो 100 आया, और फिर -4 करते तो 96 आया, 129 में +4 कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले सीरीज में आपका प्लस बन रहा है और नीचे वाले सीरीज में आपका माइनस बन रहा है। तो इस तरह से ये दो सीरीज का मिक्सिंग था और वो अल्टरनेट में दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 133। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनके लिए पार्ट वन ऑलरेडी करवाया हुआ है, वो भी कर लेंगे रीजनिंग का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी करवाया हुआ है। सिर्फ कौन सा है, सेकेंड में 2023 सिर्फ वन का है, PYQ है, तो वो भी कर लेंगे, और यदि सिलेबस चाहिए तो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।